जब कला हाथ में आ जाए तो वो एक अलग ही रूप ले लेती है। और कला अगर हाथ में लाना है तो किसी विद्या मंदिर में जाना होगा। ऐसे ही एक अद्भुत कला और अद्भुत हैंडराइटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जो लिखने की कला है, ऐसा लगता है जैसे मशीन से लिखा गया है, कंप्यूटर से प्रिंट किया गया है। और ये कहीं बहुत बड़े शहर में नहीं, ये गांव के एक बहुत ही नॉर्मल स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल स्कूल से मिली है ये कला बच्चों में, जो कि नर्सरी से लेके और 8 तक का है। और 8 तक के बच्चों के जो लिखने का अंदाज है वो इतना ज़बरदस्त है, देखकर आप भी दंग हो जाएंगे। जी हाँ, मैं हूँ विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं डीआरडी न्यूज। अभी हम लोग आए हुए हैं सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में, जो कि धुबोल बाज़ार में है, बनियापुर प्रखंड के धुबोल बाज़ार में है। और उसमें छोटे छोटे बच्चों के हैंडराइटिंग और उसकी व्यवस्था देख के आप खुश हो जाएंगे। चलिए एक बार आपको रिप्रेजेंट कराते हैं, दिखाते हैं। आइए पहले तो ये सारा व्यवस्था दिखा दीजिए। ये देखिए फूल वगैरह कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, सब लगाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये टॉयलेट वगैरह है जहाँ नलका लगा हुआ है। बाकी सर हैं हमारे साथ में स्कूल के, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, और जिनके हाथ से 3 पीढ़ी से इनके परिवार में पढ़ाया जा रहा है और 3 पीढ़ी से स्कूल चल रहा है। शिक्षक लोग हैं और आज भी सर का कहना है कि आज भी मैं उसी एनर्जी के साथ काम करता हूं और वैसे ही अपने बच्चों पर ध्यान देता हूं। तो आज जो हमारे सामने कुछ कुछ ऐसी अद्भुत चीज़ें होंगी जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। सबसे पहले तो नमस्कार है सर आपको। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी स्वागत है आपको। आइए बैठ जाइए। हम ये सर के हाथ में बच्चों के हाथ से लिखी हुई कुछ हैंडराइटिंग पेपर हैं, जो एग्ज़ाम पेपर हैं, शायद ये एग्ज़ाम पेपर हैं जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है और आप पहले देख सकते हैं, गौर से इसे देखिए और इसे देख के अंदाज़ा लगाइए कि किस क्लास के बच्चे का होगा। थोड़ा सा नज़दीक से दिखाइए इसको, ये किस क्लास के बच्चे का होगा पहले आप अंदाज़ा लगाइए, उसके बाद हम दिखाते हैं कि किस क्लास के बच्चे ने ये लिखा है। देखिए ये नाम लिखा हुआ है, ये ममता कुमारी है और विषय है इसका साइंस। क्या है साइंस है, मैं वही बोल रहा था, साइंस है। और कक्षा कितना है? 6। यहाँ नज़दीक लाइए, जरा नज़दीक लाइए। यह है कक्षा 6 है और 6 के बच्चे की हैंडराइटिंग आप देख के दंग रह जाएंगे। ऐसे ही इतना ही नहीं, ये सेम हैंडराइटिंग सर आप बताइए, एक बार आप बताइए, ये सेम है। मैंने डिफरेंट लड़के हैं लेकिन हैंड राइटिंग सेम है। खासियत है कि इस बच्चों को नर्सरी से सिखाया जाता है इंग्लिश स्टाइल में कि कैसे राइटिंग की बनावट होगी, तो ये मेहनत किया जाता है 4 साल के बच्चों को, जो कॉपी में भी दिखा रहे हैं। अब वही बच्चे जब क्लास 1, 2, 3 या 4 में आते हैं तो कोई कह नहीं सकता है कि एक ही बच्चा एक राइटिंग लेता है, लेकिन 400 भी बच्चे हैं तो 4 शक्ल राइटिंग सेम होगा, हैंड राइटिंग सुंदर होगा, जो सर को हमने दिखाया है। और इसमें 4 क्लास के बच्चे के बताए, सबसे अचंभा की बात तो ये है, आश्चर्य वाली बात यह है कि ये नर्सरी के बच्चे ने लिखा है। सर एक बार जिसको सही ढंग से दिखाइए, जो नर्सरी का बच्चा लिखा है जिस तरीके से उसकी लिखावट है, उसे देख के ही पता चलता है कि सर के अंदर हुनर क्या है और कौन सी कला यहाँ बच्चों को सिखाते हैं। ये लिखावट के साथ साथ ये होता है कि मैंने जब तक बच्चा इसको सुनाता नहीं है तब तक ये कॉपी जो है जमा नहीं किया जाता है। तो रीड एंड राइट जब लड़का सुना देता है तब कॉपी जमा होता है, फिर नेक्स्ट बार फिर सेम टू सेम उसी ढंग से काम दिया जाता है, क्योंकि आदत होता है बच्चों का कि रिटर्न कर दिया, याद नहीं किया तो काम अधूरा होगा। इसलिए लड़कों को रीड एंड राइट, लिखो और पढ़ो, जब याद हो गया हम समझिए कि लड़का को अब आगे बढ़ाने की बात है तो हम बच्चा को आगे बढ़ाते हैं। वाह क्या बात है, सच में आपके अंदर वो कला है जो गुण आपने दिया है बच्चों में। ये देख के मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि एक छोटा बच्चा जो कि सही से कुछ समझ नहीं सकता, उसकी लिखावट इतनी अच्छी है। ये हिंदी से लेकर के 1-2 तक हिंदी का भी आप देखेंगे बहुत सुंदर है, जबकि दिखा चुके हैं आपको, कहिएगा तो और दिखा दें, कॉपी में भी दिखाए हैं, थी एग्जामिनेशन वाली कॉपी में दिखाए हैं। हिंदी के भी दिखाइए, ये संस्कृत लिखा, देखिए कितने अच्छे बच्चे लिखे हैं, कुछ बच्चों को कॉपी भी आपको दिखाएंगे। 6 क्लास के बच्चे का लिखा हुआ है, ये हैंडराइटिंग आप देख सकते हैं, देखिए सेम राइटिंग है, लिखा गया है कितने सब 6 क्लास के बच्चों ने लिखा है, निकी कुमारी और सब नाम कृति कुमारी, हैंडराइटिंग सेम, कृति कुमारी, निकी कुमारी। ये भी एक अपने आप में आश्चर्यजनक वाली बात है
कि बच्चे हर क्लास के अलग अलग हैं और हैंडराइटिंग लगभग सेम है। सेम है। पटने ये से कैसे होता है? ये कैसे पटने से? ये नर्सरी से ही बच्चों को सिखाया जाता है। ए सिखाया जाता है तो ए कैसे लिखेगा थ्री लाइन में, एक बार नहीं सीखता है तो बिंदी देकर सिखाया जाता है। ए सिखाते सिखाते फिर उसको अंग्रेजी में ओ आई सिखाया जाता है, कख सिखाया जाता है, कख, फिर उसके बाद मीनिंग सिखाया जाता है, भोवेल से वर्ड तैयार किया जाता है, भोवेल के बाद से फिर 26 लेटर पहला लेटर से इंग्लिश का वर्ड तैयार किया जाता है प्लस सुना जाता है, उसके बाद सेंटेंस में प्रवेश करते हैं, उसके बाद पेट एनिमल, वाइल्ड एनिमल, वेजिटेबल्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी, नेम ऑफ डेज, ये चीज़ हमने लखनऊ से सीखा। अरे वाह। लखनऊ में 5 साल सीखे हैं इंग्लिश मीडियम में, उसके बाद में हम पढ़ाते हैं। सर ये होता कैसे है, कितने दिन से आप पढ़ा रहे हैं? पढ़ाते हैं 1980 से। 1980 से? हाँ, उस समय पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। अरे वाह। ये जो आपने ये कला इसमें दिखाई है, कोई ऐसा बच्चा है जिसका हम चल के कापी देख सकते हैं? सर बच्चे को कापी देख सकते हैं क्या जो अभी लगे बैठे? चलिए दिखाइए जरा एक बार। बच्चों का कापी एक बार चेक करते हैं हम लोग, लाइव चल के देखते हैं जो बच्चे अभी अपना बुक लाए हैं वहाँ जो रखा गया है उसमें, और अभी जो लाइव हम बच्चे से देख रहे हैं, ये कौन से किस क्लास के बच्चे हैं? ये सब ये क्लास है 1 का क्लास का बच्चा है। अच्छा, ये अभी हम लोग तो बच्चे की माने जैसे आप आज बच्चों की संख्या बहुत संख्या, इसलिए कि आज छुट्टी उठी है ना, क्या ये क्या बोल रहे हैं, लगा है? हाँ, हाँ, लगा है, तो उसी छुट्टी से बच्चे आपसे बिहार बंद का ऐलान। हाँ हाँ, जो बच्चे आ गए उसको सोचे कि लौट कर कहे जाएगा चलो पढ़ा देते हैं। कितने बच्चे हैं टोटल आपके पूरे स्कूल में? 150 बच्चे हैं। 150 बच्चे? कॉपी लाओ, कॉपी लाओ। ये देखिए, अरे वाह, ये क्लास हाँ क्लास 3 के बच्चे हैं, देखिए। अरे लिखावट देखिए, एक मिनट देखने वाले बोलते हैं कि स्टेट लेवल का ही है, स्टेट में इतना सुंदर बच्चे लिखने वाले हैं। कंप्यूटर नो डिफरेंट कंप्यूटर एंड हैंड राइटिंग एंड कंप्यूटर राइटिंग, सही जो बच्चे लिखते हैं कंप्यूटर से अच्छा लिखते हैं। जी जी ठीक है ना, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। मशीन लिखता है तो मशीन की खासियत नहीं है। बाबू क्या नाम है आपका? टिंकू तिवारी। टिंकू तिवारी, ये कॉपी आपकी है? जी। किस क्लास में पढ़ते हो आप? हम 3 पढ़ते हैं। 3 में? अभी हमको लिख के दिखा दोगे? यस, इससे बढ़िया लिख के दिखा देंगे। क्या बात है बेटा, लाओ आप एक कॉपी लाओ और पेंसिल लाओ। लिखो आप। अरे वाह, क्या एनर्जी आपने डाली है बच्चों में, सच में बहुत जबरदस्त है। लिखो आप अपने अपना नाम लिखो और अपना एड्रेस लिखो। पता है ना आपको नाम एड्रेस अपना? कंट्री नेम, कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ स्टेट्स और कंट्रीज नेम एंड कैपिटल्स, जो पूछिएगा। सही बात है। नहीं नहीं, लाइव दिखाइए, लाइव दिखाइए, लिखते हुए दिखाइए बच्चे को। इधर सामने से आइए ना, सामने से अच्छा दिखाई देगा कैमरे में, और नजदीक ले जाइए भैया। क्या बात है, जबरदस्त और एकदम से आश्चर्यजनक अद्भुत है ये जो कला आपने डाली है सर बच्चों में, ये सच में बहुत अद्भुत है। मैं भी लिखता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपना नाम ही सही ढंग से नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि इस बच्चे के बगल में मैं कैसा लिखता हूँ। लेकिन मेरे से लाख गुना अच्छा लिखा है बच्चे ने। ये बच्ची है, ये आई है लमसम 5 साल हो गया लुधियाना से। ये देखिए इसका हैंड राइटिंग, जिसे लगता है कि कंप्यूटर भी इसके आगे मुकाबला नहीं करेगा, देख लीजिए। सही बात। इसका नाम है राधा और ये क्लास 5 में पढ़ती है। अब कहानी वही हो गई है, हैंडराइटिंग दिखिए, कहानी वही हो गई है। सुनिए ना, ये तो हो गया, दिखा दिए हैं अच्छे ढंग से, दिखा दीजिए। कहानी हो गई है कि देखन में छोट लागे घाव करे गंभीर, वही वाली कहानी है कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। अंदर की जो कला है देखने के बाद कोई भी भौचक्का रह जाएगा। इतना जबरदस्त तरीके का हैंडराइटिंग मैंने अभी तक इतने छोटे बच्चों में नहीं देखा है, बड़े लोगों को भी नहीं देखा है इतने तरीके से लिखते हुए। कहीं एक मिस्टेक नहीं, कहीं भी एक कमी नहीं। प्रचार वही है कि बच्चे इंटेलिजेंट हो जाए, बच्चे पढ़ लिख लें, कहीं जाकर के जॉब कर लें, मेरा यही प्रचार है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि जितने लोग मेरे माध्यम से आपको देख रहे हैं वो बिना देरी किए अपने बच्चों को यहाँ ला के एडमिशन कराएं। व्यवस्था हो सकता है देखने में आप एक बार झिझक जाएं कि व्यवस्थाएं कैसी रखी हुई हैं, लेकिन हैंडराइटिंग की बात करें तो देख के आप दंग रह जाएंगे कि आपका बच्चा कैसे निकलेगा। ये देख सकते हैं आप, ये किसकी कॉपी है? आप इसको पढ़ सकते हो बाबू, एक बार पढ़ के सुनाओ तो। रिया हार्डली 10 ईयर ओल्ड वाज इन ए वेरी पेंसिव मूड, हेयर मदर्स बर्थडे वाज अप्रोचिंग एंड सी हैड वेरी लिटिल सेविंग विथ हेयर टू
boy a gift for her mother after all have called she missed the opportunity of expressing her gratitude to her mother for being such a wonderful mother desperately wished that she was grown up and able to work. Then she called by her mother plenty of things as her father and her बस 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 वेरी गुड, बहुत अच्छे मेहनत किया है आपने, बहुत मेहनत किया सर, और आपको भी सैल्यूट है कि इतने छोटे छोटे बच्चों में ये कला आपने डाली है, ये सच में अपने आप में अद्भुत है। सर ने सिखाया ना, अभी देखिए सर ने एक कॉपी दिखाई थी एक बच्ची की जिसने लुधियाना में पहले पढ़ाई की है, उसके बाद लगभग 5 साल से यहाँ, कहाँ 5 साल से इतने यहाँ पे, क्या नाम है बाबू आपका? राधा कुमारी। राधा, राधा कुमारी। अच्छा राधा पहले कहाँ पढ़ती थी? लुधियाना में। लुधियाना में यहाँ पढ़ाई करती हो, कैसा लगता है? अच्छा। आपकी कॉपी देख सकता हूँ मैं? दिखाइए जरा एक बार। ये राधा ने लिखा है, किस क्लास में पढ़ते हो बाबू आप? फिफ्थ क्लास। ये फिफ्थ क्लास की बच्ची ने लिखा है, अगर सही ढंग से समझ में, और नजदीक करिए, और नजदीक करिए, एकदम नजदीक करके दिखाइए कि पूरे कॉपी में जिस तरीके से लिखा गया है कहीं भी एक अंडरलाइन एक क्रॉस लाइन नहीं है, और बिना क्रॉस लाइन कैसे लिखा गया है, कैसे पॉसिबल है सर? क्या करते हैं आप लोग, क्या कला सिखाते हैं? सिखाते हैं दूसरा का अपने चीज मेथड है, अलग है तरीका से। आप कितने दिन से पढ़ा रहे हैं? हम तो 2001 से 2001 से पढ़ा रहे हैं। उम्र अगर देखी जाए तो ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कि अब मतलब उम्र के हिसाब से ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन शौक और जुनून देखिए, इतना जुनून है कि इनके हाथ से जो इनके सिखाए हुए जो बच्चे हैं आपके सामने क्या रिजल्ट लेके आए हैं, ये मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से कोई और किसी स्कूल में मिल पाएगा। मैं किसी स्कूल को खराब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये जरूर कहूँगा कि अब तक का ये सबसे अद्भुत और अलग ही कला सर ने सिखाई है बच्चों को। ये कला कहीं और मिलना मुश्किल है जो यहाँ है। वही बात है, मैं फिर से कहूँगा, हो सकता है बाहर से देख के आपको लगे कि यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन अंदर आने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। आप अपने बच्चों को कहीं भी किसी के सामने खड़ा करने में हिचकिचाएंगे नहीं। अभी ये लड़की खड़ी है, इससे हम बात करते हैं कि इस बोर्ड पे क्या लिखा है, एक बार पढ़ के सुनाए। इधर से शुरू करो बाबू, क्या लिखा है ऊपर से? जीके राइटिंग अबाउट माई सेल्फ एंड एप्लीकेशन 30 states and capital 30 countries and capital is the horse. Very good. एक बार नजदीक से दिखा दीजिए ताकि लोगों को समझ आए कि क्या लिखा है। अच्छा लाइट कम हो जा रही है, कोई बात नहीं है। ये जो बच्चे हैं अपने आप में अद्भुत हैं, और मैं कहूँगा कि आप अपने बच्चों को सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में लाके एडमिशन कराएं और अपने बच्चों का ग्रोथ आगे लेके जाएं। भविष्य उनका सुधर जाएगा, विश्वास करिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बच्चे बिना सोचे समझे जो पूछो वो बताने के लिए तैयार हैं, ये बहुत मुश्किल है अभी के समय में। और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे, पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर।